नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ मिशन। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद को लेकर मथुरा हॉटस्पॉट बन गया है। अयोध्या और वाराणसी के बाद मथुरा की ओर सभी की निगाहें लगी हैं। यहां श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर अब तक न्यायालय में 10 से ज्यादा वाद दाखिल हो चुके हैं। गुरुवार को जब कोर्ट ने 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर दाखिल वाद को स्वीकार किया, तो दूसरे वादाधिकारी भी अपने प्रार्थना पत्रों को लेकर आश्वस्त हो चुके। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह को लेकर सबसे पहला वाद 25 दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने दाखिल किया था। उन्होंने ये बात भगवान श्री कृष्ण की अतरंग सखी के तौर पर दाखिल किया गया। यह अयोध्या में रामलला विराजमान की तरह श्री कृष्ण विराजमान की भूमि को मुक्त कराने के लिए सिविल कोर्ट में दाखिल किया गया था। सभी वादों में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को पक्षकार बनाया गया। रंजना अग्निहोत्री और उनके साथ अन्य 6 लोगों के वाद में सिविल कोर्ट ने 30 सितंबर 2020 को खारिज कर दिया था। इसके बाद रंजना अग्निहोत्री आदि ने 12 अक्टूबर 2020 को जिला जज कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। इस वाद को गुरुवार में कोर्ट ने 1.5 साल तक चली सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया। इसके बाद 11 नवंबर 2020 को मथुरा चतुर्वेद परिषद के महाशेख पाठक नवीन नगर राकेश तिवारी ने पक्षकार बनने के लिए जिला जज की कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। हालांकि इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 15 दिसंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने वाद दायर किया था। इसकी सुनवाई 1 जुलाई को होगी। 23 दिसंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव, जय भगवान गोयल, सौरभ गौड, राजेंद्र महेश्वरी और महेंद्र प्रताप की ओर से वाद दायर किया गया था। इस बात को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने स्वीकार कर लिया। अब इस पर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप और मनीष यादव ने शाही ईदगाह में मंदिर में प्रमाण होने की बात भी कही है। उन्होंने वहाँ वीडियोग्राफी और अधिवक्ता कमिश्नर से सर्वे कराने की मांग भी की है। इसके लिए उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। महेंद्र प्रताप का दावा है कि वहाँ स्वास्तिक, शेषनाग, कमल जैसे निशान है। ऐसी प्रार्थना पत्र पर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। फिलहाल इस कपोर्ट में इतना ही। आप देखिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ मिशन।